सो फाइनली गाइज, माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा का दर्शन करने। और यहाँ जो आप लोग देख रहे, जो घेरा हुआ रास्ता दिख रहा है खिड़की टाइप का, उसी रास्ते से होके हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए गए हुए थे। ये नया रास्ता है, बना हुआ है। गुफा जो है वो महीने साल में बस 9 दिन ही खुलते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई काफ़ी ऊंचा चढ़ना है तो चलो रोपवे से चलते, क्योंकि फैसिलिटी थी रोपवे की। तो हमें लगता है कि हमने ही नहीं, बहुत लोगों ने, सारे लोगों ने ऑलमोस्ट सोच के रखा था कि रोपवे से ही चलेंगे। तो कम से कम 3-3.5 घंटे हमें लाइन में लगना पड़ा था, और यहाँ से माता रानी के दरबार का दर्शन भी हो रहा था। तो हम लोगों ने इसे कैमरे में कैप्चर किया। 3-3.5 घंटे के लंबे इंतज़ार और लाइन के बाद फाइनली हम लोग पहुँच रहे हैं रोपवे से। टेक्निकल इश्यूज़ भी थे शायद, दो दो रोपवे चल रहे थे, बट उसी के कारण शायद हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। बट रोपवे से जाने में ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं था, बट लेकिन रोपवे का इंतज़ार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था गाइस, सीरियसली। उतना में हमें लगता है कि शायद हम लोग पैदल चढ़ाई कर लेते, बट कोई ना, थोड़ी फैसिलिटी के लिए तो करना पड़ता है। और यहाँ भैरव बाबा का मंदिर जो आप देख रहे हैं ऊंचाई पे है, हम लोग पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे बंदरों का बहुत आतंक है, इतना ज़्यादा बंदरों का आतंक था कि अपने प्रसाद को ही सुरक्षित ले आना मंदिर से, ये अपने आप में चैलेंज है। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप लोग फोकस अपने प्रसाद पर, अपने सामान पर करें। बंदर ऊपर से लपक लपक के आके छीन के लेके चले जा रहे थे, खाने पीने के सामान को भी लेके चले जा रहे थे। तो मैंने तो भाई वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर से ही सीन को कैप्चर कर लिया। और मेरा मेन फोकस था कि भाई अपने पूजा करना और प्रसाद को बचा के लेके आना, तो मैंने वो उसे बचा तो लिया बंदरों से भाई। और फाइनली उसके बाद हम लोग यहाँ उतरने लगे नीचे, और नीचे जाने के लिए सबने डिसाइड किया कि चलो अब तो बहुत ज़्यादा मतलब कि उतरना पड़ेगा, और बच्चा भी है साथ में हमारे, तो हम लोग घोड़ा करेंगे। तो घोड़े पे मैं फॉर द फर्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। वो भी गोलू मेरे साथ बैठा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं फाइनली गिर ही जाऊँगी, लेकिन बट ऐसा